नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर बिहार जातीय जनगणना के पहले चरण में इन लोगों की ली जाएगी जानकारी। बीसीईसी जमीन सर्वे की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए बदले नियम। बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए जारी किए 61.24 करोड़। उनादकट ने 12 साल बाद टेस्ट में वापसी कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना को लेकर बिहार में अलर्ट। एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए बीते दिन अपर मुख्य सचिव अमर प्रत्यय ने राज्य स्वास्थ्य समिति इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना से बचाव पर चर्चा की और बिहार के सभी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, मॉल, बाजार समेत अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सतर्कता बरतना जरूरी है, इसलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जांच शुरू कर दी जाए, खासतौर पर उन स्थानों पर जहां अलग अलग देश या अलग अलग राज्य के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हो। बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए जारी किए 61.24 करोड़। बीते दिन शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए कुल 61.24 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि ये छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जो बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ते हो, जिनके स्कूल में उपस्थिति 75% से अधिक हो और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वैसे बच्चे जो कक्षा 1 से 4 तक में पढ़ते हैं उन्हें 600 रुपए दिए जाएंगे। वहीं वैसे बच्चे जो कक्षा 5 से 6 और कक्षा 7 से 8 तक में पढ़ते हैं उन्हें 1200 और 1800 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। बीसीईसी जमीन सर्वे की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए बदले नियम। बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन और लिपिक की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बदलाव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा की गई है। वहीं पहले इन संविदा पदों पर बहाली की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाती थी। बताते चले कि बहाली की प्रक्रिया में बदलाव होने के बाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन और लिपिक की 10,101 पदों पर होने वाली बहाली का जिम्मा बीसीईसीई के द्वारा नए सिरे से विज्ञापन जारी कर की जाएगी। बिहार जातीय जनगणना के पहले चरण में इन लोगों की ली जाएगी जानकारी। बिहार जातीय जनगणना के पहले चरण में मकानों के नंबरीकरण की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। वहीं अगर बात करें इसके दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में मकानों के नंबरीकरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो कि 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही संपूर्ण गणना के 31 मई 2023 तक पूरा करके सरकार को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि पहले चरण के दौरान जिन सवालों के जवाब अंकित किए जाएंगे उनमें परिवार में मुखिया का नाम, मकान आवासीय है या कॉमर्शियल और परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जैसे सवाल शामिल होंगे। गया में जांच के बाद 4 फर्जी शिक्षकों की नौकरी समाप्त। विभिन्न पंचायत नियोजन इकाइयों के पंचायत सचिव ने आम बैठक कर DEO के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बिहार के गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के स्कूलों में बहाल 4 फर्जी शिक्षकों की नौकरी को समाप्त कर इसकी सूचना जिला पदाधिकारी राजदेव राम को दे दी है। जिन शिक्षकों की नौकरी समाप्त की गई है उनमें सीमा कुमारी प्राथमिक विद्यालय जमालचक दरियापुर, उत्तम कुमारी प्राथमिक विद्यालय एमा चौकी गहलौर, संजू कुमारी प्राथमिक विद्यालय अड़ई, रविन्द्र कुमार प्राथमिक विद्यालय पथरी के नाम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ये शिक्षक अपने कागजातों में फेर बदल कर फर्जी तरीके से शिक्षक बने थे। बिहार के इस बच्चे की मदद करेंगे एक्टर सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आए दिन लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के 7 साल के मासूम बच्चे की मदद करने जा रहे हैं। दरअसल यह बच्चा प्रशांत कई सालों से अपने एक पैर से स्कूल आता जाता था, जबकि उसका स्कूल 1 किलोमीटर दूर है। प्रशांत ने अपने पैर डॉक्टरों की एक गलती की वजह से खो दी थी। बताया जा रहा है कि प्रशांत के परिवार के पास पैसे नहीं है, जिस वजह से वह कृत्रिम पैर लगवाने में सक्षम नहीं है। वहीं कुछ दिनों पहले प्रशांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि प्रशांत अब अपने एक नहीं दोनों पैरों पर कूदकर स्कूल जाएंगे, टिकट भेज रहा हूं, चलिए दोनों पैरों पर चलने का समय आ गया है। नए साल में पर्यटकों के स्वागत के लिए VTR तैयार।
प्रतिवर्ष नए साल के मौके पर पर्यटक अपना पिकनिक मनाने और एंजॉय करने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर नए साल को लेकर पर्यटकों के स्वागत के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सज धज कर तैयार हो गया है। हालांकि इस बीच पर्यटक जंगल के भीतर पिकनिक नहीं मना पाएंगे और न ही आग जला पाएंगे और न ही लाउड स्पीकर बजा पाएंगे। वहीं सैलानियों के स्वागत के लिए VTR के गेस्ट हाउस की साफ सफाई के साथ रंग रोगन का भी कार्य किया गया है और साथ ही बाघ का एक स्कल्पचर भी लगाया गया है। इसके अलावा पर्यटक जंगल सफारी लक्ष्मण झूला समेत कई चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। बिहार में अब सिर्फ FIR पर नहीं होगी चार्जशीट। बीते दिन बिहार के नए DGP RS भट्टी ने पुलिस मुख्यालय से बिहार पुलिस के रेंज IG से लेकर थानेदारों तक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी समस्या को लेकर SSP SP सीधे पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे बल्कि IG DIG के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि थानेदार दरोगा सिपाही रैंक के पुलिस कर्मी को छोटी छोटी गलतियों पर निलंबित नहीं किया जाएगा, इसलिए फिर निर्भय होकर काम करें। DGP ने कहा कि FIR में निर्दोष के नाम को नहीं जोड़ा जाएगा, कारण और तथ्य के साथ गलत नाम हटाया जाए। अगर किसी के नाम पर FIR दर्ज की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और सच का पता लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर ठगी। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किसी से ठगी न की जा सके, इसके लिए उद्योग विभाग ने लोगों को फोन और ईमेल पर जालसाजों से सावधान रहने को कहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयन को लेकर जालसाजों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके तहत पुलिस के द्वारा कुछ गैंग की पहचान की गई है और गिरफ्तारी भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। JP सेतु पर ट्रक परिचालन पर बैन। पटना के JP सेतु पर वाहन के परिचालन को लेकर नए साल के मौके पर नया आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत 2023 से JP सेतु पर खाली या लोडेड ट्रकों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेनों का काम पूरा कर दिया जा चुका है, इसलिए अब JP सेतु से ट्रक के परिचालन को रोक कर फिर से महात्मा गांधी सेतु से शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी पटना के DM चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि ट्रक के परिचालन की वजह से JP सेतु पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी और पुल की संरचना पर भी असर पड़ रहा था। बिहार की बेटी की एक सलाम शहीदों के नाम पर शुरू की साइकिल यात्रा, पहुंची करनाल। बिहार के छपरा की बेटी और साइकिलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सबिता महतो ने देश के सच्चे हीरोज को नमन करने के लिए एक सलाम शहीदों के नाम कश्मीर से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी, जो अब 2,957 किलोमीटर की दूरी तय करके बांग्लादेश के ढाका पहुंच गई है। बता दें कि बीते दिन देर रात सबिता महतो की साइकिल सवारी करनाल पहुंची, जहां उनका स्वागत समाज सेवियों और स्पोर्ट्स के बच्चों के द्वारा किया गया। अपने साइड को लेकर सबिता का कहना है कि उनका डिफेंस से गहरा नाता है और उनके ही सपोर्ट से ही उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है और अब वह अपने साइकिल राइड से अपने देश के रियल हीरोज को धन्यवाद बोलना चाहती हैं। विजय चौधरी ने बैंकों से की ऋण प्रवाह बढ़ाने की मांग। बीते दिन वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नाबार्ड का बिहार स्टेट फोकस पेपर 2023-24 जारी करने के बाद बैंक से ऋण प्रवाह बढ़ाने की मांग की और कहा कि वैसे लोग जो गड़बड़ करते हैं उन्हें बैंक से आसानी से ऋण मिल जाता है, लेकिन जब ऋण जरूरतमंदों को देने की बारी आती है तो 100 चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि इसके लिए कहीं न कहीं बैंक जिम्मेदार है। अगर राज्य के किसानों को ऋण चाहिए होता है तो वह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं या सूखे दारों के पास। कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए कृषि सेक्टर के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाना होगा। शराबबंदी पर उठ रहे सवालों के बीच नीतीश सरकार सख्त। शराबबंदी पर उठ रहे सवालों को लेकर नीतीश सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने अवैध शराब की बिक्री और इसमें शामिल धंधेबाजों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए यह निर्देश दे दिया है कि सभी जिलों में शराबबंदी सख्ती से लागू कर दिया जाए और साथ ही स्पीडी ट्रायल और बड़े माफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। वहीं अगर इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही देखी गई तो आला अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अब सीधे DM और SP नपेंगे। इसके साथ ही इस नियम को सख्ती से कार्रवाई की जा सके इसके लिए एक एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। उनादकट ने 12 साल बाद टेस्ट में वापसी कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड।
बांग्लादेश के खिलाफ धनक टेस्ट में कुलदीप यादव की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को अंतिम 11 में शामिल किया गया। बता दें कि उनादकट की यह वापसी करीब 12 साल बाद टेस्ट मैच में की गई है, लेकिन अब 12 साल बाद वापसी कर रहे उनादकट ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दो टेस्ट मैच खेलने के बीच ज्यादा अंतराल के मामले में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके पहले और इस टेस्ट के बीच 118 टेस्ट मैच हुए। इस सूची में उनादकट दूसरे नंबर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनादकट ने अपने करियर का एकमात्र टेस्ट मैच सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, अमर आजाद, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, रविशंकर, विजेंद्र सिंह, कविता कुमारी, पीयूष कुमार, विनोद कुमार यादव, राजकुमार कुशवाहा, राजकुमार प्रसाद, के सिन्हा, राजीव कुमार, मुटु रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं से छात्र छात्राओं को कितना लाभ मिलता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।